केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक कानून के विरोध में अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार की दोपहर संविधान चौक पर प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, जय जवान जय किसान संगठन शामिल हुए। इस आंदोलन के दौरान कहा गया कि जनभावना को दरकिनार करते हुए राज्यसभा में मतदान किए बिना इस कानून को पारित किया गया। कृषि विषय राज्य सरकार को देने का प्रयास इस कानून की आड़ में किया जा रहा है। रिलायंस ग्रुप द्वारा जियो स्मार्ट की घोषणा के बाद तुरंत ही इस मसले को कानून में तब्दील करने का आरोप इस दौरान लगाया गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि इस कानून से आगामी समय में छोटे किसान बर्बाद हो जाएंगे, उन्हें कृषि उपज पर गारंटी मूल्य नहीं मिलेगा। विरोध प्रदर्शन करते विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी होने पर भी राज्य सरकार से इस बाबत सामान्य चर्चा तक नहीं की गई। केंद्र सरकार द्वारा देश विदेश के उद्योगपतियों के फायदे के लिए संसद का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया गया। आम जनता पर ऐसे में केंद्र सरकार का यह कानून खाद्य सुरक्षा का खतरा मंडराएगा, देश पर आत्मनिर्भरता का संकट गहराएगा। भूमि अधिग्रहण कानून की तरह ही यह तीनों कानून किसान विरोधी है। इस दौरान यह भी कहा गया कि मॉल संस्कृति को बढ़ावा वापस लेने के लिए मजबूर करने की बात अरुण बनकर, अरुण लाडकर, प्रशांत पवार आदि ने कही। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।